सुने का रिकॉर्ड कर लिया ना, तो मेरे को नोट्स बनाए। हो गया रिकॉर्ड तो। हाँ फिर ना मेरे को, हाँ फिर मेरे को व्हाट्सएप भेज, फिर मैं नोट्स करूंगा नहीं, मैं नहीं सारा नोट्स ही मेरा बना भाई, कंसंट्रेशन नोट्स नोट्स बना, नोट्स बना, क्योंकि नोट्स व्हाट्सएप पे यार, इतना, नोट्स व्हाट्सएप पे इतना बड़ा वीडियो नहीं जाएगा। मेरी पूरी बात तो सुन, नोट्स मैं इसलिए बना रहा क्योंकि हमें पूरी टेम्पलेट मिलती है, और सेकंड थिंग इज दैट मैंने कमरे में अंधेरा कर रखा है ताकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस पे रहे, नहीं अरे मैं कह रहा तो हूँ मेरा कि फिर पूरा। व्हाट्सएप पे इतना अच्छा टाइम किया जाए, क्यों परेशान करता है यार, अच्छा तो हर चीज पे ही तो भाभी बहस वो करना बैठ गया, हर चीज पे बहस करना भाभी बैठ उड़ गया। गई, उठ गई, क्या हो भाभी उड़ गया, गई तुझे कैसे, क्या करना उनसे, ऐसे पूछ रहा हूँ, बड़ी जल्दी उड़ जाती हो। बड़ी जल्दी क्या, 7:30 बजे, 8 बजने वाले। अरे होता हमने क्या टाइम है, सेंट्रल 10 बजे। टेंडेंसी खत्म कर दी थी, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा सुन, मेरे को ये पता चला है कि एक जो मीडियन है ना, मीडियन का कंपल्सरी होता है कि ये इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना जरूरी होता है, और तो मीडियन मैंने बताया तो, बताया था मीडियन को क्या कहते हैं, असेंडेंट डिसेंडेंट करना जरूरी होता है, बताया था तो। मैं भी एग्जांपल देख रहा था, उसमें एग्जांपल था कि ना 10 इंग्लैंड में ना 10 घर थे, 10 घर थे, और उसमें एक एक फैमिली इनकम थी, तो उनकी एवरेज निकाली, तब तक तो ठीक चल रहा था। लेकिन एक एलन मित्तल है, एलन मित्तल को जानता है, नहीं मैं नहीं जानता। लक्ष्मी निवास मित्तल, एक वैसे तो उनको इंडिया का मानते नहीं, वो इंडियन यूके में रहते हैं, वन अच्छा ऑफ द वो पता रिचेस्ट है पर्सन है जहाँ, क्या 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 हुआ, क्या हुआ। अम्बानी, तो उन्होंने अपना घर लिया उसी 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 लेन में। तो फिर उनकी तनख्वाह, जैसे मान लो किसी की तनख्वाह $10,000 है, किसी की तनख्वाह $20,000 है, लेकिन उनकी उनकी कमाई थी 2,000 मिलियन, तो उसके कारण एवरेज सारी की सारी बेकार हो गई। तो एक एक एग्जाम्पल दिया था, इसलिए कहते हैं कि हमेशा वेरिएशन, अगर वेरिएशन कम हो तो ठीक है, लेकिन कहते हैं मीडियन इज ऑलवेज बेटर, इसलिए मीडियन इज बेटर, ठीक है, ये रीजन मेरे को पता चला। अच्छा ठीक है, चल। वेरिएशन जो है उसको, वो पोजिशनल इंफॉर्मेशन में आता है। नहीं, पहले तो पढ़ा क्या रहा है ये बता ना, तीन चीजें। वेरिएशन पढ़ा रहा हूँ ना भाई, देखो बताया, डाटा कैटेस्टिक 3 टाइप की होती है, सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन शेप। सेंट्रल टेंडेंसी हम कर चुके हैं, अब वेरिएशन शेप कर रहे हैं, अपर वेरिएशन ठीक है। ठीक है। इसमें पहले में आता है, यहाँ पे रेंज आता है और यहाँ पे क्वार्टाइल्स आता है। हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बता, वो जो तूने पढ़ा फिर कॉपिक्स और वो RSS, अभी नहीं पढ़ा, आज पढ़ लूँ, अगर तू क्लास रोज अटेंड करेगा तो ही पढ़ूंगा, वरना बंद, पढ़ना ही बंद कर दूंगा। हाँ, रोज अटेंड करूंगा, रोज रोज रोज। ये मत बोला अगर जब हम प्रिपेयर होते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ना ना तूने एक बार मेरे कहा मे, तो मैं उठ मेरा गया फिर। मेरा ही मोटिवेशन तभी बनेगा ना, अगर तू तू इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा तुम्हारा। बिल्कुल ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा तेरी जो फ्रेंड है, जो फ्रेंड कह रहा हूँ, फ्रेंड की जो बेटी है, तूने वो वाली बात करी उससे फिर? अभी नहीं करिए, मैं छोड़ उस टॉपिक को छोड़ दे। 100th पोजीशन, पहला क्वार्टाइल में Q1 आता है, उसको बोलते हैं 25th पोजीशन, फिर क्यू टू क्यू टू आता है, उसको मीडियन भी बोलते हैं। फिफ्टीएथ हाँ पोजीशन, फिफ्टीएथ पोजीशन उसको मीडियन भी बोलते हैं, Q2 ही मीडियन होता है। फिर IQR आता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये Q3। फिर Q3 आता है, पहले तो Q3 आता है, 75th पोजीशन, हाँ, क्वार्टाइल का मतलब क्या, क्वार्टर 25 50 75 हाँ। 100 और IQR जो होता है वो Q3 - Q1 होता है। और एक होता है SF, वो होता है Q1 - Q3। IQR Q3 - Q1, तो ये तो Q2 वो हो गया, Q2 हो गया फिर तो, भाई Q3 - Q1 Q2 थोड़ी होगा। क्यों, सेवेंटी क्यू फिफ्थ पोजीशन में कौन Q3 सी है। चीज है, 75th पोजीशन में कौन सी चीज है, और 25th पोजीशन में कौन सी चीज है, उनका सब्सट्रैक्शन है। अच्छा अगर उनका वन टू सब्सक्रिप्शन
ठीक है पोजीशन ठीक है ठीक पोजीशन में जो एलिमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रेंज क्या होता है? नहीं उससे पहले क्या था, क्या पता था Q3 में Q1 के अलावा और दूसरा क्या था? Q1 by Q3, SF, हम्म, SF Q1 by Q3। ठीक है ठीक है, कोई बात, मैं क्या कर लेता हूँ। तो ठीक है, ठीक है। हाँ पीयूष, हुआ? हाँ बोल। हाँ, रेंज रेंज क्या होता है? लार्ज माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अच्छा और Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। अच्छा Q2 को मीडियन बोलते हैं। और Q3 को अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, हाँ फिर होता है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, तू फॉर्मूला लिख ले भाई कहीं पे, वरना नहीं वरना मोटिव वरना वो नहीं बनेगा तेरा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? हाँ, वेरिएंस सुना, मिनिमम एंड मैक्सिमम सुना मैंने। तूने कहा कि 50th पोजीशन को मीडियन भी बोलते हैं, मैं वेरिएंस की बात और कर रहा हूँ, वेरिएंस की बात करना, अभी भी वो तो हो चुका आगे, अब आगे हाँ बढ़ते हैं। वेरिएंस बताइए, वेरिएंस बताइए। मैं जरा अभी उसमें, हाँ वेरिएंस बताइए, मैं उसको जरा लैपटॉप को ठीक करने में लग गया था। हाँ तो बोल ना, मैं तुम ना एक तो तुमने वीडियो ऑन नहीं किया, मैं पता भी नहीं लगता कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा नहीं, वीडियो ऑन, अभी हाँ रहने तो हम कम से बताओ। मुझे पता तो लगे तू फोकस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मैं अपना ऐसे मैं टाइम वेस्ट कर, फोकस कर रहा था, बस वो मैं सोच रहा था कि वो भी ठीक हो जाए तो तेरा, वही ठीक हमारे। करता रहा फिर, अच्छा या तो वो ठीक कर ले, मुझे बताया अगर मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम। मेरे साथ रहे, मेरे अलग मुझसे अलग मत हो, पढ़ा रहा हूँ तेरे को मैं, क्या देखो ये ऐसे नहीं कर रहा ठीक हूँ। है ठीक है। हाँ 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 फिर है बोल बोल। स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है वो। नहीं, पहले मेरे को वेरिएंस सुन जा, मेरे को वेरिएंस सुन जा। मैं स्टार्टिंग से कहीं और था मेरा दिमाग। वेरिएंस देखो, मैं अभी कोई क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो अभी फॉर्मूला लिख ले बस। नहीं फॉर्मल लिखनी था, तो रिकॉर्ड करेगा उसको। मैंने कहा ना, मैंने अपने आप को अंधेरे में बंद कर रखा है ताकि हाँ मैं तो वो ना कर सकूं, कंसंट्रेट। फॉर्मूला समझ, बस समझ ले, ये एक्स बार जो होता है उसको मीन बोलते हैं। क्या एक्स बार जो है वो मीन है। अच्छा, ठीक है, और मीन एन, मतलब, मीन मतलब एवरेज होती है। हाँ एवरेज, एवरेज। ठीक है, और एक्स जो है नॉर्मल नॉर्मल एलिमेंट पोजीशन है, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अब जो शेप शेप में आता है वो बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्सन आता है। देख जनरली क्या होता है, तेरा जो डाटा है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है, और तेरा जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसे होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व, समझ रहे हैं? हाँ तो हाँ है ना, कुछ तो बोल, मुझे कैसे पता लगेगा? तो कहता हूँ वीडियो ऑन कर नहीं रहा अच्छा और मुंह से कुछ बोल नहीं रहा।
मैंने अपने आप को अंधेरे में बंद कर रखा है तो इसलिए। मुझे कुछ तो हाँ या ना तो बोल भाई। हाँ ठीक है, मैं समझ में आ ठीक गया, है, कुछ हाँ या तो ना बोल। बोलूंगा, बोलूंगा हाँ या ना बोलूंगा। ठीक है, हाँ या ना ठीक है, पे तूने क्योंकि हाँ या हाँ। और अगर तेरा डाटा में थोड़ा सा चेंज आया तो सेंट्रल टेंडेंसी सेम रहेगी, लेकिन तेरा डायग्राम चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। ये होती है शेप, अच्छा। इसको बोलते हैं शेप। नहीं पहले मेरे को वेरियंस ही नहीं समझ में आया, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी तो बहुत दूर की तो बात है। भाई जब 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 मैंने समझाया था, तूने कहा समझ में आ गया है मेरे को, तो अब मैंने मैं कहा आगे ना जा दोबारा तुम। सोचा, तूने कहा मैं बाद में सोच जाऊंगा एग्जांपल के साथ। हाँ तो एग्जाम्पल आ जाएगा, अभी आ जाएगा एग्जाम, करा दूंगा एग्जाम। अभी ये तो समझ ले पहले तुम, ये समझ गया शेप, शेप समझ गया। वेरिएंस नहीं ना मेरे को तो वेरियंस ही नहीं समझ में आई। को छोड़ दे, अभी यहाँ पे आगे आ जाओ, मैं बता अच्छा अच्छा दूंगा ठीक है, वेरिएंस का। अभी तो यहाँ पे समझ, हमारा जो नॉर्मल हमारा जो डाटा होता है उसका शेप ये होता है। कुछ तो बोल यार। ठीक है। ठीक है, अगर अगर डाटा में चेंज आया तो सेंट्रल टेंडेंसी सेम रहे, ये सेंट्रल टेंडेंसी है और ये वेरिएशन है, ये जो ए बी सी है वेरिएशन है, और ये जो डायग्राम है वो उसका शेप है। हाँ या ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो कुछ बोलना मेरे को। हाँ सेंट्रल टेंडेंसी और एबीसी वेरिएशन सुन लिया मैंने। वे एबीसी वेरिएशन है और ये जो डायग्राम है वो उसका शेप है। अच्छा ठीक तो जैसे जैसे डाटा का वेरिएशन चेंज होगा शेप बदल जाएगी डायग्राम। है ठीक ठीक है, है। अब जो डिस्पर्सन होता है वो दो टाइप का होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो टाइप में होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अच्छा ठीक है, तो एब्सोल्यूट में क्या क्या आता है? रेंज आता है, वेरिएंस आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, और अच्छा क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन आता है, और मीन एंड मीन डेविएशन आता है। और रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और लास्ट में आता है ये कौन सा वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट रुकिए, लास्ट में आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हमने रेंज पढ़ लिया, वेरिएंस पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, क्वार्टाइल पढ़ लिया और मीन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अच्छा मुझे बता, तेरे पास डाटा है 1,3,5,6,7, इसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा 6। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हाँ तो ठीक ठीक है, तो बोला मैंने। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तेरे को कंफर्म ही कर रहा हूँ। अब कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन जो है उसका ऑफ रेंज कितना होता है,
एक्स मैक्स कोफिशियंट ऑफ डेविएशन ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला होता है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। एक्स मतलब एलिमेंट जो मैक्सिमम है, जैसे इस जैसे इस वाले डाटा का मिनिमम क्या है 1 और मैक्सिमम 7, सही बोला 7। तो एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा 6, और एक्स मैक्स प्लस एक्स मिनिमम कितना होगा 8। तो 6/8 जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन ऑफ रेंज हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन ऑफ रेंज। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन ऑफ रेंज। फिर आता है क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन में ये है, ठीक है। मतलब 75th पोजीशन, 75th स्टैंडर्ड डेविएशन Q3, ठीक है, पता मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और मीन डेविएशन होता है। मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। ये चारों फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम Q1 Q2 Q3 निकालते हैं। पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लियो। हाँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग? हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बस असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर बात कर। और जो Q1 होता है वो n+1/4, अगर डिसेंडिंग में लिखेगा तो पूरा फॉर्मूला बदल जाएगा भाई। अच्छा, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हो। अच्छा, Q2 जो होता है n+1, अगर n टर्म है तो n+1 डिवाइड बाय 4 टर्म जो है वो Q1 है, ठीक है। n+1 डिवाइड बाय 2 टर्म जो है Q2 है, Q3 जो है वो 3n+1 डिवाइड बाय 4 टर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और IQR क्या बताया था तेरे को मैंने, इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 ना, Q3 माइनस Q1 कह ले, या अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अब तेरे को मैं एक डाटा दे रहा हूँ, उसमें तेरे को Q1 Q2 Q3 सब निकालना है। अब ये रहने दे, बाद में करना। नहीं नहीं भैया, प्रूव करना है, मैं पढ़ा मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना। अगर तूने आलस ही करना तो फिर मेरे मेरे से मतलब किसी और से पढ़ ले जा, पास 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 होना नहीं है, तूने ऐसे नौटंकी करनी है। ना ना ना, बिल्कुल तेरा अच्छा है नहीं पास होने की, तो बस ऐसे ही खेल खेल के लिए आया हुआ मैं सर। पास कर रहा है, अच्छा पागल हो रहा है। हां तो फिर ऐसे कौन बोलता है कि मुझे नहीं करना, टीचर मैं हूं कि तू, मैं डिसाइड करूंगा कि तू डिसाइड करेगा कि क्या क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। फ्रेंड है लेकिन टीचिंग के भी कोई तरीके होते हैं, ठीक है। फ्रेंड होना, भाई हूं तेरे, भाई हूं जो भी है, लेकिन 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 इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तू गलत गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। मैं तेरा भाई हूं और तेरी वाइफ मेरी भाभी है, तो वो होगा ना भाई, होगा ना। वो अच्छी बात है यार, लेकिन तू अगर ऐसा सोचता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन पढ़ने का एक तरीका, पढ़ने का एक तो भाभी को छोड़, अभी पढ़ाई का होता है, तू फोकस कर पियूं, तू फोकस नहीं करता चीजों के अंदर, तेरा फोकस बहुत वीक है। पहले क्या करेंगे डाटा का, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, किसको पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले। हाँ, बता क्या लिखेंगे, 19, 20, 21,
आगे फिर 23, हाँ 2 बार 23 है, फिर 24, 25, फिर है तेरा 27 और 31। अभी टोटल कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9। तो हमारा क्यू टू का फॉर्मूला था, पहले मीडियन निकाल रहा हूँ, मीडियन क्यू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू टर्म। 2, 5th term आएगी ना, तो हाँ यानी 23। 23। 23 हमारा क्या है? क्यू टू है, मीडियन है इसका। अच्छा ठीक है, फिर लोअर क्वार्टाइल क्यू वन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, क्या होगा इसका? क्या वो इसका Q1 क्या हुआ? एन Q1 प्लस हुआ वन तेरा डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, तो 2.5 हुआ फिर तो। तो 2.5 टर्म, मतलब 2+3 सेकेंड प्लस थर्ड टर्म का एवरेज अच्छा तो ये हुआ सेकेंड। तेरा 41 डिवाइडेड बाय 220, ये 40 और 20.25। 20.5 हमारा Q1 हो गया। ऐसे अच्छा क्यू इसमें भी ऐसे क्यू ही होता है। हाँ Q3 कितना होता है? Q3 तो हो गया तेरा, फिर ये हो गया ना Q3 हो गया तेरा कितना एन एन 3n+1, प्लस 3n+1 है टर्म डिवाइड बाय फोर, बाय डिवाइड बाय फोर फोर। हाँ अच्छा डिवाइड बाय फोर है ना, पहले थ्री तो एन ये प्लस हो गया वन तेरा होता है। थर्टी ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 4 यानी 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। तो सेवन पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फाइव मतलब का मतलब हुआ सेवन एट और सेवन एट का सेवन और एवरेज, एट सेवन और हाँ एट का एवरेज। तो हमने ये गलत लिख दिया, 25 को पहले लिख दिया, 24 को बाद में, हमने 25 और 27 है ना, तो 52 हो गया, 52 का 26 हो गया। 26 हमारा Q3 हो गया। ठीक है, अब हमने Q1 Q2 Q3 निकाल लिया। IQR कितना होगा? IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 IQR माइनस Q1 हाँ तो 19.5 है, 26 माइनस 23 हुआ ना, 26 माइनस, पहले अच्छा हाँ Q3 हाँ हाँ Q हाँ सॉरी की 26 माइनस 20.5 सॉरी 26 माइनस 20.5 हाँ कितना तो टू हुआ? पॉइंट ये हो गया आपका 5.5। 5.5। ऐसे ही SQR कितना हुआ? SR सॉरी SF, SF Q1 बाय Q3 होता है, SF Q1 बाय Q3, SF जो होता है Q1 Q1 बाय Q3 होता है। SM stand for वो मुझे पता नहीं, उसमें मिला नहीं मेरे को SF का आंसर नहीं मिला, तो देख के बताऊंगा स्टैंडर्ड बाद में, डेविएशन होता है बाद में SD। दिखाऊंगा, अब बाद में देख के बताऊंगा तुमको। नहीं S1 वो SD होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, am I right? SD सेंट्रल डेविएशन होता है, SF जो होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज जैसा ही होता है, Q1 बाय Q3 होता है। तो ये हो गया था 20.5 अपॉन 26। ठीक है, तो ये हमारा, ये सारे हमारे वो निकल गए। तो समझ में आ गया कि कैसे क्वार्टाइल निकालते हैं? ठीक है, अब देखो मैं एक डाटा और दे रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, एन तो एन एक दो कितना है? तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10। 10 है ना, तो पहले हम मीडियन निकालेंगे। तो अगर इवन अच्छा नंबर होता है तो उसका मीडियन जो होता है एन बाय टू और टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन एथ टर्म हाँ डिवाइड बाय टू होता है। ठीक है, तो तो एन इसको बाय एन टू और बाय टू टर्म, को बाहर रखो, एन बाय टू को बाहर रखेंगे ना, नहीं एन बाय नहीं टू एन को बाय अगर टू हम और बाहर टर्म कितना है? रखेंगे एन बाय टू और टर्म कितना हुआ? 10 बाय टू 5, 5.5।
फिफ्थ टर्म पांचवी हुआ ना, सदी के बीच में है। पांचवी सदी तो 5.5 हुआ, तो फिफ्थ और सिक्स टर्म कौन सा है? तो सीधा 3, 4, 5, 9 और 11 नाइन प्लस 11 डिवाइड बाय 2, 10 हो गया हमारा मीडियन। बिस्कुट। हाँ 10 हो गया हमारा। मम्मी मम्मी दरवाजा बंद कर दो मम्मी मम्मी। हेलो हाँ 10 10 हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो हमारा देख फिफ्थ 5.5 है, तो हमारा यहां पर कहीं मीडियन हुआ नहीं नहीं क्या? नहीं 10 हो गया ना, 10 हो गया मीडियम हमें बना टेन लिया ना। हो गया, लेकिन 5.5 टर्म है ना, 5.5 टर्म, तो पहली 5 टर्म, फिर उसके आधा, तो यहाँ पे कहीं हमारा वो होगा Q2। तो Q1 इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, इसके हाफ में होगा। इसका हाफ कौन सा है? 5। किसका? इस जो ये वाली सीरीज है, इसका हाफ, हाँ इसका हाफ कहाँ पर है? यहाँ अब पर। ये तो बड़ा डेटा है, अगर मान लो छोटा डेटा है, अगर बड़ा डेटा होता तो फिर हम कैसे निकालते फॉर्मूले से? भाई फॉर्मूला सिंपल सिंपल फॉर्मूला ही पुट करना है वहां पे, तो तू डायरेक्टली उससे निकाल लियो ना, एक्सेल से निकाल लियो। देख मेरे ख्याल से ये ये फॉर्मूला है ना, n/2+1 हो गया, और उसमें अगर ऐसे हो गया तो n/2+n/2+1 है ना ये होता है हाँ फॉर्मूला। अब हाँ इसमें n/2 को हम बाहर पहले रखेंगे ये जैसे समझा, मैथ्स में होता है फिफ्थ टर्म क्यू वन। वन क्यों हुआ? क्यू फिफ्थ टर्म जो फिफ्थ हाँ फाइव है वो Q1 कैसे हो गया? नहीं इसमें 5 पॉइंट, इसमें तो दो नहीं है, 5 5 और 7 दोनों नहीं आएंगी। 5 टर्म है ना, देख 1 2 3 4 5। अरे यार इधर अभी पहले तो ये सुन ले 5 टर्म सुन ले सुन है ले सुन मैं ले बुझ। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले। पांच क्यू हाँ हाँ टू के लेफ्ट हैंड साइड में 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड का हाफ कितना हाँ होता है? 5 होगा ना, थर्ड टर्म होगा ना। यार वो तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें तो है छोटा डाटा है, अगर बड़ा डाटा होता फिर कैसे करते? है? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, जो भी मतलब मीडियन में जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उससे देखना है, और Q3 देखेंगे राइट हैंड साइड में जो टर्म आ रही है उससे भी। ठीक है ये हाँ, तो हो गया इसमें ना। राइट राइट हैंड साइड में Q3 कितना होगा? हाँ Q3 राइट का हो साइड गया तेरा 15। 15। तो Q1 Q2 Q3 निकल गया हमारा, ठीक है ठीक है? और बड़ा सही निकला है, 5 10 15 हाँ निकला भी सही है ना, 5 10 15 ही निकला। हाँ ठीक है ना। तो इसका IQR कितना हो जाएगा? क्या IQR कितना हो जाएगा? 10 बोल, होगा ना, 10 होगा, पंद्रह 10 से माइनस कहता रहा 15 माइनस 5 10। हूँ। अरे तो बोला मैं सीधा आंसर बोला भाई, हाँ तो मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ तेरे को, तो तू आंसर मत बोल। बोला, मैं समझा के बोला। ठीक है, अच्छा अब एक काम कर, दोबारा ज्वाइन कर, टाइम खत्म हो रहा है इसका, दोनों दोनों मोबाइल और लैपटॉप से दोबारा ज्वाइन कर। अच्छा। हम्म।